टाइटैनिक जहाज से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो उसे डूबने से बचा सकती थी। नंबर वन, एक अमेरिकन ऑथर जिसका नाम था मॉर्गन रॉबर्टसन, उसने द रेक ऑफ टाइटन नाम की एक किताब लिखी थी जिसमें उसने बताया था कि किस तरह टाइटैनिक डूबी है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसने उस किताब को टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले ही लिखी थी। उसने ये प्रेडिक्ट किया था कि टाइटैनिक डूबेगी और 14 साल बाद ठीक उसी तरह टाइटैनिक जहाज समंदर में डूब गया जैसा कि उस किताब में लिखा गया था। नंबर टू, जब रात के समय टाइटैनिक डूब रही थी तो उससे कुछ दूर ही समंदर में एक दूसरी शिप थी जो उन्हें डूबने से बचा सकती थी, लेकिन वो नहीं बचा पाए क्योंकि उस शिप के कैप्टन को टाइटैनिक जहाज का हेल्पस वाला सिग्नल समझ में नहीं आया था। उसे लगा कि वो फायरवर्क्स हैं, लेकिन दूसरे दिन उन्हें ये पता चला कि वो एक SOS सिग्नल था। नंबर थ्री, जिस दिन टाइटैनिक डूबने वाली थी उसी दिन वहाँ पर एक लाइफ बोट भेजा जा रहा था, लेकिन अननोन रीजन की वजह से उसे नहीं भेजा गया। इससे जहाज तो डूबने से नहीं बचता, लेकिन अगर वो लाइफ बोट वहाँ भेज दी गई होती तो कई सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जानें बच गई होती।